हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं बात करने वाला हूँ 6 ऐसे पॉइंट्स जो इनकम टैक्स के हैं, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से हो सकते हैं जुड़े हुए हों। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ ऐसे चेंजेज हुए हैं जो हर आदमी को जानने की जरूरत है, और स्पेशली उनके लिए जो कि मकान खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं, और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या किसी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज लेने वाले हैं। आप सावधान हो जाएं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप जान लें, अदरवाइज आपको थोड़ी नहीं ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि हमारा जो चैनल है टैक्स फॉर वेल्थ, ये आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है 10 दिन में हम एंड्रॉयड टीवी पर भी आ गए, तो आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो इनकम टैक्स में चेंज आया है, जो कि चेंज तो नहीं कहूंगा, उसके दायरे को बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि अगर आप ई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते थे तब भी आपको 50 लाख के ऊपर के केस में 1% का टीडीएस काट के जमा करना पड़ता था। लेकिन पहले क्या था, जो टीडीएस के प्रोविजन थे उसके हिसाब से क्या होता था कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे उस पर देना, एमिनिटीज पे नहीं देना था। लेकिन अभी नए अमेंडमेंट के बाद, अगर आप क्लब मेंबरशिप ले रहे हैं, कार पार्किंग ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं और वाटर सप्लाई ले रहे हैं, इस पे भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत है। सही सुना, इस पे भी अब टीडीएस कटेगा, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये 50 लाख के ज़्यादा है तो आपको टीडीएस काट कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। इसमें आप कहीं भी चूके नहीं तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ मेरे हिसाब से ऐसा कुछ और नहीं जो मैं बताऊं। आगे बढ़ते हैं कि कैश विड्रॉ, अभी टीडीएस का एक नया प्रोविजन भी आ गया है कि अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको टीडीएस जमा करना पड़ेगा। सही सुना, ये अभी आया है, पहले नहीं था। 1 सितंबर से एप्लीकेबल है। अगर आप एग्रीगेट टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तब आपको 2% यानी 2% का टीडीएस डिडक्ट करके जमा कराना पड़ेगा। तो पहले क्या था कि कैश विड्रॉ पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अभी गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी। रिस्ट्रिक्शन का जो एजेंडा है हमारे मोदी सरकार का, वो ये है कि आप कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, कैश में डील ना करें, कैश से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर एग्रीगेट, ऐसा नहीं है कि एक ही एंटिटी किसी एक बैंक से कुछ अमाउंट निकाला, किसी दूसरे से और निकाला, ये एग्रीगेट बात की जा रही है कि अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको 2% का टीडीएस जमा करना पड़ेगा। कंप्लायंस एंगल से एक नई चीज़ है, इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है, या आपको जो कैश फ्लो है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने इंडिविजुअल और HUF के लिए, जो कि किसी तरह का कॉन्ट्रैक्टर से काम कराने वाले हैं या प्रोफेशनल से काम कराने वाले हैं, उस केस में भी थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ गई। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा कोई सर्विस लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर से या प्रोफेशनल से, उस केस में आपको भी TDS जमा कराना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे मैं हंस रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चॉइस तो है नहीं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, ये भी एक कंप्लायंस आपके लिए है, यानी कि आपको 5% का TDS काट कर जमा करना होगा सेक्शन 194M में। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अगर आप इंडिविजुअल और HUF हैं और कोई कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं जो कि एग्रीगेट 50 लाख के ऊपर है, तो 5% का आपको TDS जमा करना पड़ेगा। एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन दूं, सेक्शन 194DA है, ये कहता है लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस किसी भी तरह का जो कि टैक्सेबल है, अगर वो आपको मिलने वाला है। सही सुना, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ जो कि जनरली हमारे देश में हर के पास है, अगर टैक्सेबल है तो उसमें भी 5% की TDS अब काट के आपको मिलेगा, यानी कि पहले जमा हो जाएगा, उसके बाद बैलेंस अमाउंट जो बचा है वो आपको मिलेगा। और जो एक और मैं आगे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये तो हर कॉमन आदमी को समझने और जानने की ज़रूरत है। अब क्या है कि बैंक और FIs को बोला गया है कि अब स्मॉल ट्रांजेक्शन्स को भी, हाँ जी सही सुना है, स्मॉल ट्रांजेक्शन की भी रिपोर्टिंग जो करनी है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन SFT बोलते हैं, उसमें आपको रिक्वायरमेंट कर दी कि अगर 50,000 से ऊपर है
तो आपको अब रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पहले क्या था, एक AIR सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट काइंड ऑफ लिमिट सेट किए गए थे, उस लिमिट के ऊपर जब जाते थे तब आपकी रिपोर्टिंग होती थी। गवर्नमेंट ने इसको भी चेंज कर दिया है और इन्फॉर्मेशन ले रही है। यानी अगर आप सारी चीज़ों का एंगल देखें तो ये, मैं इसको क्रक्स में बताऊं, गवर्नमेंट का एजेंडा यह है वैसे लोगों को पकड़ना जिनकी इनकम है लेकिन डिस्क्लोज नहीं करते। अब आप सावधान हो जाएं, अगर आप इस तरह की किसी भी परिस्थिति में हैं, मैं परिस्थिति वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, अगर इस तरह का काम करते हैं तो ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और जो आपकी इनकम है उसकी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि अब जो टूल्स हैं वो इतने ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं कि आप इससे बाहर नहीं रह पाएंगे। अच्छा है कि आप पहले ही रिपोर्ट कर दें, अदर की कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। तो इसके अलावा एक गवर्नमेंट ने और मॉडिफाई किया है कि बहुत जगह ऐसा क्या किया है कि आधार को, पैन को हटा के आधार भी मैंडेटरी कर दिया है, कि बहुत ऐसे चीज़ें हो गई जहां पहले पैन की रिक्वायरमेंट थी, अब आप आधार भी दे के अपना काम चला सकते हैं। तो मोटा मोटी ये 6 पॉइंट थे जो अमेंडमेंट हुए हैं, और इनका जो क्रक्स था, क्रक्स यही है कि आप जितनी जल्दी हो सुधर जाएं, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हैं जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर की कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट आपको सुधारने पर लग गई है। कैसे, आप देखें कि कितने तरह की गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन निकाल रही है, और इस इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारे डेटा को प्रोसेस किए जाएंगे, और उस प्रोसेस के पास आपके पास एक प्यारी सी चिट्ठी आएगी जिसमें आपसे बहुत तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो देखिए, ऐसा ना हो, इससे अच्छा है कि आप अपनी जो रिपोर्टिंग और अपनी इनकम की क्राइटेरिया है उसको पहले से ही डिस्क्लोज करके रखें, ताकि कि ये जब कंप्लायंसेज आप करें या करना पड़े तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। खैर, आज के लिए तो इतना ही था। मैं, अगर आपको लगता है या किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना भी ना भूलें, और अपना प्यार बनाए रखें, और जो भी आपके मित्र हैं जो इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन करने वाले, तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाएँ और अवेयरनेस फैलाएँ, सो दैट कि आप कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम ना कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।